हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आंख के फायदा बताऊंगा। इस प्रकार से देख लीजिए, इसे अकवा आंख दूध के नाम से जानते हैं। आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को खासकर भगवान शंकर जी को सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है। जो इसके व्हाइट कलर के फूल होते हैं ना, भगवान शंकर जी इसके चढ़ाने से काफी खुश हो जाते हैं। मनोकामना, जितने भी आपकी जो भी मनोकामना है, सारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए इसके मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक फायदा बता देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में आज ही सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं। सबसे पहले तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर होते हैं या वैद्य लोग होते हैं आयुर्वेद के, वो आप सभी को दवा तो दे देते हैं आपकी जो भी उपचार है ना, जो भी परेशानी आपको, परेशानी को दूर करने के लिए, लेकिन दवा की सिख नहीं सिखाते। जी हाँ, जानकारी आपको नहीं बताते, जानकारी को छुपा करके रखते, ताकि उन्हें भी यह लगता है कि अगर आप भी दवा देना सीख जाएंगे, दवा के नाम सीख जाएंगे या उपचार सीख जाएंगे तो आप उनके रोजी रोटी को छीन सकते हैं। उन्हें यह घबराहट होती है, डर रहती है, लेकिन हम आप सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी सिखाते हैं ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, दूसरे के उपचार कर सके, समाजित कर सके। तो सबसे पहले तो इसका जो दूध का प्रयोग मैं सिखाऊंगा, और खासकर इसका दूध कभी भी हमारे आंख में नहीं लगना चाहिए, विशेष करके ध्यान देने। मैंने कई वीडियो में पहले भी बताए हैं कि इसका दूध बहुत ही जहरीला होता है, अगर आंख में गलती से भी एक बूंद पड़ जाए तो पूरे आंख को खराब कर सकते हैं, आंख की रोशनी छीन सकती है। तो सावधान होकर के इसका दूध का प्रयोग करना चाहिए। पहला है, अगर इसके दूध को रूई में भिगा करके थोड़ा सा मात्रा में अगर दांतों के दर्द पर लगाया जाए, दांत में कीड़े हैं, दांत में पारियां हैं, दांत से खून निकल रहे हैं, तो बिल्कुल ही दांत के दर्द को तो 5 मिनट के भीतर में जड़ से समाप्त कर देंगे। हिलते हुए दांतों को मजबूत बना देते हैं, दांतों के कीड़े को मार देते हैं, दांत के दर्द ठीक कर देते हैं। यह प्रयोग आपको बासी मुख करना है, यानी कि सुबह उठ करके इसके दूध को रूई में भिगा करके तुरंत लगाना है, तो दांत के दर्द को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देते हैं। अधिकांश लोग दांत के दर्द से परेशान रहते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, इधर उधर की बहुत सारे दवा करते हैं। एक बार यह दवा प्रयोग करके देखना, 100% लाभ मिलते हैं। इसके बाद उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होना, बदनों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, न जाने कितने भी हमारे जो हिस्से रहते हैं, ज्वाइंट वाले हिस्से, वहाँ पे अचानक से दर्द होते हैं, क्योंकि हम उम्र में, उम्र से पहले जो जब जवान रहते हैं उस टाइम में काफ़ी काम करते हैं, और जितने भी हम काम किए होते हैं तो उसका खिंचाव जो होता है, मांसपेशी में जो तनाव होता है, बुढ़ापे में नज़र आते, बुढ़ापे में देखने को मिलते हैं। तो क्या करें अगर आपके भी उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, बदनों में दर्द हो रहे हैं, या ज़्यादा काम के कारण, तनाव भरी जिंदगी के कारण दर्द होता है, तो इसके पत्ते को सबसे पहले साफ पानी से धो लें, ठीक है। इसके अच्छे बड़े बड़े पत्ते ले लेना, साफ पानी से धो लेना। इसके बाद इसके पत्ते के ऊपर में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके इसके पत्ते को गुनगुने आँच में, थोड़ी सी गुनगुने आँच में गर्म करें। इसके बाद गर्मा करने के बाद दर्द वाले हिस्से पे बांध दे, ऊपर से सूत बांध देना है। सूत यानी जो पतले धागे रहते हैं वो बांध देना है। तो आपके जोड़ों में होने वाले दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहे तो जोड़ों में लगा दीजिए, बदनों में दर्द हो रहे तो इसके पत्ते को बदन में लगा दीजिए, जिस भी हिस्से में दर्द हो रहे वहाँ पे बांध दे, तो दर्द को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। एक इसका और भी प्रयोग है, ये संतान प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग होता है, इसके जड़ों का प्रयोग होता है। ये आपको करना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसके जड़ को दूध में मिला करके पीने से संतान की प्राप्ति होती है। अभी खुल करके जानकारी नहीं बता रहा हूँ, कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी विस्तार से बता दूंगा। इसके बाद अगर आपको गलती से कांटे चुभ गए हैं हाथ पैरों पर, तो इसका दूध लगा देने से जो कांटे गलती से चुभ आए हैं, दर्द हो रहे हैं, पकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे स्किन से, इसका दूध लगा देने से बाहर निकल जाते हैं, काफ़ी आराम मिलते हैं। या कुछ ऐसे चीज़ आपकी स्किन पे आ गए हैं जिसके कारण गांठ हो गए, पकड़ के नहीं फूटे, तो इसके दूध लगा देने से पकड़ के फूटने लगते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया यहाँ के छोटे से प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। जानकारी कैसा लगे मित्रों, हमें जरूर बताना। धन्यवाद।